हरियाणा के सीनियर आईपीएस मनोज यादव वो हरियाणा की डीजीपी की रेस में शामिल थे, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में डीजीपी बनने के बाद उनका नाम इस रेस से बाहर हो गया है। मनोज यादव पहले भी हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑफिसर्स बायोग्राफी में, और आज के वीडियो में जानते हैं कौन है आईपीएस मनोज यादव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले हरियाणा केडर के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके सुर्खियों में रहने का कारण हरियाणा के नए डीजीपी की नियुक्ति है। हरियाणा के मौजूदा डीजीपी पीके अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त को पूरा हो रहा है। ऐसे में मनोज यादव का नाम भी हरियाणा के नए डीजीपी बनने की रेस में सबसे ऊपर था, लेकिन यूपीएससी को पत्र भेजकर खट्टर सरकार ने आईपीएस मनोज यादव का नाम भेजने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से लिखे पत्र में कहा गया है कि मनोज यादव डीजीपी पद के लिए अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। डीजीपी मनोज यादव खुद भी डीजीपी की सेकेंड इनिंग खेलने से इनकार कर चुके हैं। 1988 के हरियाणा केडर के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को 21 फरवरी 2019 को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया था। हरियाणा में पुलिस महानिदेशक का पद संभालने से पहले वो आईबी विभाग में थे, लेकिन 2019 में प्रतिनियुक्ति पर उन्हें उनके केडर में भेजा गया था। खट्टर सरकार की तरफ से उन्हें एक्सटेंशन भी दिया गया था। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद आईपीएस पीके अग्रवाल 16 अगस्त 2021 को डीजीपी नियुक्त किए गए थे। आईपीएस मनोज यादव का नाता शुरू से ही विवादों में रहा है। इसी के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर अमल ना करने की वजह से वो पहले भी सुर्खियों में आए थे। साथ ही किसान आंदोलन के वक्त स्थिति संभालने में नाकाम रहने के भी उन पर आरोप लगे थे। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएस मनोज यादव को अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मनोज यादव अब अपनी सेवानिवृत्ति के दिन 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवाएं देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज यादव के दो बेटे हैं, उनके दोनों बेटे आईएएस अधिकारी हैं। आदित्य विक्रम यादव ने यूपीएससी 2018 में 72वीं रैंक हासिल की थी। वहीं उनके छोटे बेटे अनिरुद्ध यादव भी एक आईएएस अधिकारी हैं। अनिरुद्ध ने यूपीएससी सिविल सेवा 2022 के परिणाम में 8वीं रैंक हासिल की थी। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑफिसर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।